आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूं जिसमें आप जान पाएंगे कि पेंशन क्या है पेंशन क्यों लेनी चाहिए और पेंशन को कैसे बनाएं। हेलो एवरीवन मैं सत्यम सैनी और अगले दस मिनटों में आपको आपके सारे सवालों का जवाब बिल्कुल आसान भाषा में मिल जाएंगे इसलिए वीडियो को देखते रहिए चलिए अब जानते हैं डिटेल में वाट इज पेंशन वाई वी शुड मेक अ प्रोविजन ऑफ आर पेंशन एंड

पेंशन की हमें क्यों जरूरत है इसके चार मेन पॉइंट है पॉइंट नंबर वन नो गवर्नमेंट और सोशल सिक्योरिटीज इन इंडिया मतलब इन in इंडिया 2004 के बाद एम्प्लॉयड हुए इवन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को भी पेंशन नहीं मिलने वाली है और फॉरेन कंट्री जैसे हमारे देश में कोई भी सोशल सिक्योरिटी भी नहीं है इसलिए हमें पेंशन का प्रोविजन करना बहुत जरूरी है पॉइंट नंबर 2 इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया मतलब सर्वाइवल एज कोई भी पर्सन कितनी उम्र तक जीता है अगर आप इस चार्ट पर गौर करें तो 1950 में एवरेज एज ऑफ सर्वाइवल मतलब जीने का एवरेज एज 31 साल था 1970 में 47 तक बढ़ गया 1990 में 57 हो गया 2010 में यही एज 66, हो गया, 66 साल और 2020 में इट इज 69 नाइन कैन यू इमेजिन दो और 2040 तक इंडिया का एवरेज एज ऑफ सर्वाइवल कितना हो सकता है इट माइट बी 80, 85 और 90. आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है कि इंडिया का एवरेज एज ऑफ सर्वाइवल कितना हो सकता है दोस्तों क्या आपको पता है एवरेज एज ऑफ सर्वाइवल यूएसए के अंदर 78 एज है और जापान में यही एज 84 फोर एज है और मनेको जैसी कंट्री में इट इज एटीन एज अगर आप ग्लोबली देखें तो वर्ल्ड में एवरेज एज ऑफ सर्वाइवल इयर्स ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है इसके तीन रीजन है रीजन नंबर वन एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज और बेटर लिविंग कंडीशन रीजन नंबर टू मोर एजुकेटेड लोग बाकी लोगों से 20 परसेंट ज्यादा लाइफ जीते हैं क्योंकि वो हेल्थ एजुकेशन की वजह से ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं रीजन नंबर थ्री ज्यादा इनकम करने वाले लोग बाकी लोगों से 37% परसेंट लाइफ ज्यादा जीते हैं क्योंकि अपनी फिजिक्स पर और मेडिकल ट्रीटमेंट पे वो ज्यादा खर्चा कर सकते हैं और अगर आज हम अपने देश इंडिया की बात करें तो, तो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन और इनकम में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है जिसकी वजह से अगले 10-15 सालों में इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85 से 90 तक बढ़ सकती है अब देखते हैं पॉइंट नंबर थ्री इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग डाउन अगर आप इस चार्ट पर गौर करें तो 2000 ईयर तक 12 परसेंट इंटरेस्ट रेट इंडिया में था वही 2004 में इंटरेस्ट रेट घटकर हो गया 9 परसेंट दो में अगर आप देखें तो ये और कम हो गया 7 परसेंट और 2020 में 5 परसेंट से भी कम इंटरेस्ट रेट रह गया आप सोच के देखिए आगे के आने वाले 10-20 सालों बाद यानी कि 2030 या 2040 में ये इंटरेस्ट रेट कितने हो सकते हैं माइट भी 2 परसेंट थ्री परसेंट आपको क्या लगता है कि इंडिया के इंटरेस्ट रेट आने वाले समय में कितने हो सकते हैं कमेंट के जरिए हमें बताइए आप क्या सोचते हैं इस बारे में इंटरेस्ट रेट नीचे जाने के कुछ रीजन भी है अंडर डेवलप्ड कंट्री ज्यादा पैसों की जरूरत होती है ज्यादा इंटरेस्ट देती है डेवलपिंग कंट्री जिनको कम पैसे की जरूरत होती है वो कम इंटरेस्ट देती हैं और डेवलप्ड कंट्री पैसों की जरूरत ना होने की वजह से नील इंटरेस्ट या मैक्स टू मैक्स वन परसेंट इंटरेस्ट देती है आप देख सकते हैं इस वर्ल्ड चार्ट में ऑस्ट्रेलिया यूएसए यूरोप जैसे डेवलप्ड कंट्री में इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट इज बिटवीन वन टू टू परसेंट जापान में तो जीरो परसेंट से लेके माइनस वन परसेंट तक है मतलब जापान में बैंक में पैसे जमा करके आपको बैंक को चार्जेस देने होते हैं अब समझते हैं वाई पेंशन का लास्ट पॉइंट फोर्थ पॉइंट इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन मतलब बढ़ती हुई महंगाई आज एक आदमी का सुबह का नाश्ता अगर पचास रूपए मानो और दोपहर का सौ रूपए मानो और शाम के सौ रूपए मानू तो एक आदमी का एक दिन का खाने का खर्चा ढाई सौ हजार पांच सौ रूपए और साल का खर्चा होता है नब्बे अगर हम हस्बैंड और वाइफ दो लोगों की बात करें तो तो पूरे साल का खर्चा हो जाता है एक लाख अस्सी हजार रूपए अगर साठ उम्र के बाद बीस सालों तक मतलब इन्हें अस्सी उम्र तक जीना है तो इन्हें कम से कम 36 लाख रुपए का खर्चा सिर्फ और सिर्फ खाने के ऊपर होने वाला है आप सोचिए 15 साल बाद या 20 साल बाद आप रिटायर होंगे, तो आपको कम से कम 50 लाख रुपए तो लगेंगे प्लस ऑल बिल्स जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी रेंट मेंटेनेंस टेलीफोन बिल्स मोबाइल बिल कन्वेंस बिल मेडिकल बिल दोस्तों कपड़े पुराने चल सकते हैं मकान भी पुराना चल सकता है लेकिन खाने का क्या करोगे और बिल्स का क्या करेंगे बढ़ती हुई महंगाई का क्या करेंगे यही चार मेजर पॉइंट हैं जो हमें मजबूर करते हैं अपने आने वाले कल को सिक्योर करने के लिए और इसलिए हर किसी को पेंशन का प्रोविजन 100 परसेंट करना चाहिए अब देखते हैं आपका आखिरी सवाल हाउ टू क्रिएट पेंशन तो दोस्तों इसीलिए गवर्नमेंट ने जीरो उम्र से लेके पचपन उम्र वाले लोगों के लिए एक स्पेशल स्कीम लॉन्च की है जिसमें आपको कई सारे बेनिफिट्स दिए गए हैं बेनिफिट नंबर वन सबसे पहले 8% परसेंट गारंटेड लाइफ टाइम और टैक्स फ्री इनकम की सुविधा उपलब्ध कर दी है बेनिफिट नंबर टू फॉर एग्जांपल अगर आप इस स्कीम में तीन लाख रुपए सालाना इन्वेस्ट करते हो तो 15 साल बाद आपको मिलने वाली गारंटीड लाइफ टाइम टैक्स फ्री इनकम है तीन लाख रुपए अगर आप यही तीन लाख रुपए बीस साल के लिए इन्वेस्ट करो तो आपको मिलने वाली रकम होगी साढ़े चार लाख रुपए मतलब डेढ़ गुना यही तीन लाख रुपए अगर आप पच्चीस साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मिलने वाली टैक्स फ्री इनकम होगी छह लाख रुपए मतलब दो गुना और अगर यही तीन लाख रुपए आप तीस साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मिलने वाली टैक्स फ्री इनकम होगी साढ़े सात लाख रुपए मतलब ढाई गुना बेनिफिट नंबर थ्री फ्लैक्सीबिलिटी फ्लैक्सीबिलिटी ऑफ प्रोपोर्शनेट मतलब अगर आप पंद्रह साल इन्वेस्ट करो तो लाइफ टाइम गारंटेड टैक्स फ्री इनकम आपकी होने वाली है तीन लाख रुपए लेकिन अगर आप पंद्रह साल की जगह दस साल इन्वेस्ट करो तो मतलब टू थर्ड ऑफ द पीरियड तो आपको मिलने वाली लाइफ टाइम गारंटेड इनकम तीन लाख की जगह दो लाख रुपए होगी टू थर्ड यही इन्वेस्ट अगर आप पंद्रह साल की जगह केवल पांच साल इन्वेस्ट करो तो आपने वन थर्ड ऑफ द पीरियड इन्वेस्ट किया तो आपको मिलने वाली टैक्स फ्री इनकम होगी एक लाख बेनिफिट इस स्कीम में गवर्नमेंट ने आपको अंडर सेक्शन एटी सी टैक्स बेनिफिट दिया हुआ है प्लस सेक्शन टेन टेन डी में आने वाले सारे पैसे लाइफ टाइम टैक्स फ्री कर दिए हैं बेनिफिट नंबर फाइव लिक्विडिटी आफ्टर टू ईयर्स आपको स्कीम में गवर्नमेंट ने लोन भी लेने के लिए परमिशन दी है बेनिफिट नंबर सिक्स एनी टाइम कैश वैल्यू मतलब इस स्कीम में आप जब चाहो जब अपना पैसा लेकर निकल सकते हो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 40 उम्र में 15 सालों के लिए 3 लाख रुपए हर साल भरा तो आपका इन्वेस्ट हुआ 45 लाख रुपए। सोलवे साल में मतलब जब आपकी एज छप्पन उम्र होगी तब आपको गवर्नमेंट देने वाली अमाउंट होगी तीन लाख रुपए सालाना जो आपको अगले पंद्रह साल तक अगर आपने ली मतलब आपकी उम्र सत्तर तक तो आपको मिलने वाली रकम है तीन लाख इंटू पंद्रह साल यानी कि पैतालीस लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया पैतालीस लाख और आपको मिला पैंतालीस लाख और आप अगर सत्तर उम्र में अपना सारा पैसा इकट्ठा लेना चाहो तो आपको एडिशनल वन करोड़ रूपए टैक्स फ्री मिल जाएगा ये है कैश वैल्यू दोस्तों सबसे बड़ा और लास्ट बेनिफिट नंबर फ्री इंक्रीजिंग रिस्क कवर अगर आप इस चार्ट पर गौर करें तो अगर आप इस स्कीम में चालीस उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो एक साल में आप तीन लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और अगर एक साल के बाद डेथ हो जाती है तो तो नेचुरल डेथ में फैमिली को मिलने वाली रकम होगी सैतीस लाख रुपए और अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो फैमिली को मिलने वाली रकम होगी सेवेंटी फोर लाख चौहत्तर लाख रूपए अगर दस साल बाद मतलब पचास उम्र में अगले दस साल में तीस लाख रूपए इन्वेस्ट करते हैं तो और अगर नेचुरल डेथ हो जाती है तो फैमिली को मिलने वाला अमाउंट होगा अट्ठावन लाख रूपए एक्सीडेंटल डेथ में मिलने वाली रकम होगी नाइन्टी सिक्स लाख रुपीज बीस साल बाद अगर आप देखो तो आपकी इन्वेस्टमेंट है तीन लाख इंटू पंद्रह साल मतलब पैतालीस लाख रूपए मगर यहाँ पर नेचुरल डेथ में फैमिली को मिलने वाली अमाउंट होगी 77 लाख रुपीस ,00 और एक्सीडेंट में मिलने वाली अमाउंट होगी 1.15 करोड़ रुपीस 30 साल बाद अगर डेथ होती है तो नेचुरल डेथ में मिलेंगे 1.26 करोड़ रुपीस और एक्सीडेंटल डेथ में 1.64 करोड़ रुपीस 40 साल के बाद अगर डेथ होती है तो तो मिलने वाली अमाउंट है नेचुरल डेथ में 2.29 करोड़ रुपीस और एक्सीडेंटल डेथ में भी 2.29 करोड़ 50 साल के बाद डेथ होती है तो नेचुरल डेथ में मिलने वाला अमाउंट होगा 2.40 करोड़ और एक्सीडेंट में भी 2.40 करोड़ और 60 साल बाद मतलब 100 उम्र में अगर डेथ होती है तो तो नेचुरल डेथ में 2.50 करोड़ और एक्सीडेंटल डेथ में भी 2.50 करोड़ इट इज नथिंग बट टैक्स फ्री कैश कैपिटल फॉर आवर फैमिली दिस गवर्नमेंट स्कीम इज अ वेरी हॉट केक इन द मार्केट राइट नाउ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले आप रिटायरमेंट पे कितनी पेंशन लेना चाहते हैं यह तय करें और उसमें से 50% परसेंट इनकम इस गवर्नमेंट स्कीम में फिक्स कर दो और बाकी 50% परसेंट इनकम आपकी मन चाहिए इन्वेस्टमेंट पर कर सकते हैं मतलब अगर आपको 15 साल बाद सालाना 6 लाख रुपए इनकम चाहिए तो 50% परसेंट मतलब तीन लाख रुपए इस स्कीम में इन्वेस्ट कर दो अगर आपको 15 साल बाद 9 इनकम चाहिए, तो इस में चार लाख रुपए इन्वेस्ट कर दो और अगर आपको लाख रुपए सालाना चाहिए तो इस स्कीम में छह लाख रुपए इन्वेस्ट करें यह स्कीम थ्री जनरेशन प्लान के नाम से भी काफी फेमस है पेरेंट जिंदा है तब तक पेरेंट को तीन लाख रुपए पेरेंट की डेथ के बाद बच्चों को तीन लाख रुपए और बच्चों की डेथ के बाद बच्चों के बच्चों को तीन लाख रुपए ये तीन जनरेशन को इनकम देने वाली स्पेशल स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है दोस्तों क्या आपकी नज़र में ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम है जहां इतने सारे गारंटेड बेनिफिट मिल सकते हैं अक्रॉस द ग्लोब हमारे देश के अलावा ऐसे गवर्नमेंट स्कीम कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है दूरदृष्टि रखने वाला देश ही अपने नागरिकों के लिए लाइफ टाइम गारंटीड एंड टैक्स फ्री इस तरह की स्कीम दे सकता है एनआरआई एचएनआई एन और एजुकेटेड क्लास इस स्कीम में काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं ये एक हॉटकेक बन चुका है क्योंकि एजुकेटेड लोग और एन लोग वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट को स्टडी कर सकते हैं और आने वाले समय में बैंक इंटरेस्ट और पेंशन रेट्स क्या हो सकते हैं इसका अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों इस स्कीम का नाम है जीवन उमंग जो कि गवर्नमेंट ने एल जैसे कैश रिच ऑर्गेनाइजेशन के निगरानी में लोगों के लिए अवेलेबल कराई है इस स्कीम में 15 साल बाद 8 परसेंट लाइफ टाइम पेंशन देने की गारंटी दी गई है इससे पहले गवर्नमेंट 8 परसेंट को घटा करके 6 परसेंट या पांच परसेंट पे लाए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने एडवाइजर से मिलकर इस प्लान के बारे में डिटेल लें ताकि आगे जाके आपको पछताना ना पड़े आप मुझसे भी इस प्लान के बारे में डिटेल पूछ सकते हैं कमेंट के जरिए तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना धन्यवाद